मैसेज। हे ब्रो, कैसे हो यार? मेरा एक दोस्त है, उसने अपना नया रेस्टोरेंट ओपन करना है, तो वो चाह रहा था कि अपनी रेस्टोरेंट की ओपनिंग पे जो है आप वीडियो शूट करो। इज दिस पॉसिबल? प्लीज लीव अ मैसेज। हे ब्रो, मी गुड यार, गुड हो गया यार। काइंडली सेंड मी द नंबर ऑफ रेस्टोरेंट ओनर। बिहार से निकली बिहारी बोटी और मेरे मुंह को छूने जा रही है भाई। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये अकेले खाएं, ऐसा हो सकता है भाई? एक मिनट, बहुत हो गया, बहुत वीडियो बना ली मैंने, और अब जो है मैं रिव्यू दूंगा और मैं खाऊंगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम लोग दिल्ली में आए, दिल्ली के मशहूर कबाब खाने। अच्छा, दिल्ली के मशहूर कबाब खाने हैं, तो दिल्ली के मशहूर कबाब खाने के लिए हम लोग यहाँ पे पधार चुके हैं मतलब बैठ चुके हैं। ओह अच्छा, तशरीफ रख चुके हैं। असल में मैं दिल्ली वाली जबान बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। और सद्दाम साहब, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मैं पता नहीं क्या क्या सोच के और सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना तक के नहीं खाया। खावर भाई ने मुझे बोला था भाई आज हमने दिल्ली जाना है और खाना पीना है, तो भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए और इंतज़ार नहीं कर पा रहा। खावर साहब, क्या कहना है आपका? जनाब, हमने जितना सुना है और रेस्टोरेंट ओपन हुआ, हमें इनवाइट किया गया कि यहाँ पे शूट करें, तो हमने जितना सुना है अब हम उसको स्पेस को टेस्ट करना चाहते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि इसका स्पेस हमारा कैसा रहता है। और सद्दाम भाई, बिलाल भाई का स्पेशली शुक्रिया जो मेरी वीडियो में, व्लॉग में बड़ा टाइम मुश्किल से निकाल के आए। और सद्दाम भाई को, इसके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सद्दाम हुसैन, और नीचे लिंक दे देंगे। तो चले फिर। जी जनाब, सबसे पहले दिल्ली के कबाब। और दिल्ली चौक के टेस्ट का किंग है, और वाकई में ये खाने के बाद, ये कबाब खाने के बाद हम जो है सच्ची मुच्ची के दिल्ली पहुंचे हुए हैं। और भाई बहुत शुक्रिया आपका, आप खुद चेक करें, ट्राई करें। नो डाउट, इट्स टू मच ऑसम। रिव्यू बाद में दूंगा, पहले खाने दो। मलाई बोटी, आई एम रियली वेरी सॉरी, आप बाद में खाना, मैं पहले खा रहा हूँ। बिहारी बोटी, बिहार से निकली बिहारी बोटी और मेरे मुंह को छूने जा रही है। भाई बात सिर्फ इतनी सी है कि ये अकेले खाएं, ऐसा हो सकता है? अरे भैया, बिहार की बोटी जब तक बंदा खाए ना ना, तो ऐसे मज़ा नहीं आता। अरे बिहार का टेस्ट दिया कि हमारा मुंह कथैयो लाल हो गया, मज़ा लगा भैया। लाल पीला, लाल पीला। बिलाल भाई, और आगे चलिए तो टिक्का भी आपके सामने पड़ा है डिश में, जो कह रहा है चीख चीख के मुझे क्यों खाया नहीं? ऐसे तोड़ा ऐसे भैया, इनका रेगुलर टिक्का मुँह में गाय के पान बनारस वाला हो गया भैया, मज़ा आ गया भैया। चीज़ आप ऐसी लाते जा रहे हो यार, हमसे रहा भी नहीं जा रहा। आप बैठे, ये हमारे जो हैं ये भाई हैं, इतने मज़ेदार और ज़बरदस्त चीज़ें बना बना के जो भाई ला रहे हैं वो ये भाई हैं, और इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, बिरयानी कभी हमने खाई नहीं है। और अब चले हैं हम विंगर के साथ। भाई एक मिनट, बहुत हो गया, बहुत वीडियो बना ली मैंने, और अब जो है मैं रिव्यू दूंगा और मैं खाऊंगा। कब से मैं देख रहा हूँ, मेरे मुंह में पानी आया जा रहा था, कभी ये कह रहे हैं बिरयानी अच्छी, कभी बिलाल कह रहे हैं सिंगर अच्छा है, और मैं क्या यहाँ पे क्या करने आया हूँ? मैं खाऊंगा। आम लेने आए हो? नहीं, मैं आम मिर्जा गालिब हो, याद दिला दिए क्या? यार ये तो ऑलराउंडर निकले, जो भी चीज़ इनकी उठा लो
सब ज़बरदस्त जायके से भरी हुई और मज़ेदार चीज़ें। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम बोल दें यार यहाँ पर इन्होंने कम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन कुछ भी नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ इनकी बेहतरीन है, परफेक्ट है, बैलेंस्ड है। रीजनेबल प्राइस के अंदर आपको ये तमाम चीज़ें दे रहे हैं, तो ये भी एक जो है ना बड़ा प्लस पॉइंट है। बिरयानी तो हमारी वैसे ही फेवरेट है, सरकार इस बिरयानी में भी क्या दिल्ली का टेस्ट है। ये बम्बई बिरयानी है। बम्बई? भैया मैं मजा आहा और फिर मजा आहा, हर चीज का टेस्ट एक नराला आहा। कहाँ से आ रहा है मिर्जा गालिब आपका? तो आप लोगों ने यहाँ पे आना है तो शाह फैसल 3 नंबर में हबीब बैंक के अपोजिट मशहूर दिल्ली कबाब के नाम से है। मैं उनका एड्रेस मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाइएगा देखिएगा और लाजमी विजिट कीजिएगा। चल भाई टूट पड़ भाई। ओ भाई कहाँ जा रहे हैं? इधर एक मिनट दे आवर भाई, आपने पहले भी बोला था लेकिन मैं फिर बोलता हूँ कि भाई मेरे बार बार सुनने की आदत तो नहीं है। आवाम जो है आवाम को बार बार दिखाना पड़ता है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खावर भाई लिंक में जो है ना डिस्क्रिप्शन में डालिएगा। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा खावर भाई के साथ काम करके, और साथ में मुफ्त में बिरयानी खा के, मुफ्त में बर्गर खा के, ये सारी चीज़ें खावर भाई ने खिला दी। तो यहाँ पर खावर भाई के ऊपर वो सॉन्ग बिल्कुल जचता है कि साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, और हम वो बस ऐश ही करने लगे हैं। जी भाईजान, हमने यहाँ का विज़िट किया, टेस्ट की चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी लगी हमें यहाँ पे, बहुत अच्छी क्वांटिटी रखी, प्राइस आपने बहुत जो है मुनासिब रिजनेबल रखी हुई है। तो जनरली जो है ना बहुत अच्छा हमें यहाँ लगा, आपका कोऑपरेशन वगैरह हमारे साथ रहा बहुत अच्छा लगा। तो आप व्यूअर्स के साथ कुछ शेयर करना चाहें? मैं भाई यही शेयर करना चाहूँगा कि आए यहाँ का विज़िट करें, एक दफ़ा चेक करें के बाद बताएँ ज़रा किसी चीज़ की कमी है तो वो बताएँ, जिस चीज़ की भी कमी पेशी है। तो और मैं ये डिसाइड करता रहा कि यार मैं इसमें से कौन सी चीज़ बेस्ट कहूँ और कौन सी चीज़ एवरेज कहूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसी चीज़ लगी ही नहीं। सब चीज़ें जो है ना बेस्ट के अंदर जो है ना वो आती है कैटेगरीज के अंदर। तो अगर आप किसी को कहते हैं कि यहाँ आए तो वो आपकी क्या चीज़ लाजमी टेस्ट करें? हमारी देखें जी, सबसे पहले तो हमारा जो नाम मशहूर है वो यही है कि दिल्ली का मशहूर कबाब पराठा। आपको सबसे पहले कबाब चेक करना चाहिए, कबाब चेक करने के बाद दूसरा डिसीजन लें पहले कबाब। टेस्ट के बारे में जो है, ये दिल्ली का टेस्ट जो है ना, वाकई मुझे दिल्ली का टेस्ट जो महसूस हो रहा था, तो ये दिल्ली से ही रेसिपी कहीं से ली हुई है? जी जी, ये बिल्कुल दिल्ली से ही है माशाल्लाह। ये खानदानी काम है हमारा, ये इंडिया से ही चलता हुआ है, ये हमारे सारे खानदानी हैं।